हैं नाज़िम खान। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, तो आइए चलते हैं खबर। जयपुर में डॉक्टर ने नर्स से किया रेप, नाइट शिफ्ट में 25 साल की नर्स को अकेली देख बिगड़ी डॉक्टर की नियत, जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया, एफआईआर के बाद आरोपी फरार। राजधानी जयपुर में एक निजी अस्पताल में काम करने वाली 25 साल की नर्सिंग स्टाफ के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 7 जून की देर रात 12 बजे से अल सुबह 4:30 बजे तक की है। घटना के बाद पीड़िता ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। केस दर्ज होने के बाद आरोपी डॉक्टर फरार हो गया, उसकी तलाश में पुलिस संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि झोटवाड़ा इलाके में रहने वाली 25 साल की पीड़िता शास्त्री नगर स्थित सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर स्थित एक निजी अस्पताल में पिछले कुछ समय से नर्सिंग स्टाफ की नौकरी कर रही है। इसी अस्पताल में दुष्कर्म का आरोपी डॉक्टर मुरारी भी रेजिडेंट डॉक्टर है। पीड़िता का आरोप है कि रात 12 बजे अकेला पाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता का आरोप है कि पिछले कुछ समय से डॉक्टर मुरारी उसे परेशान कर रहा था, एक बार मौका पाकर छेड़छाड़ भी की। उसने ऐतराज़ जताया, तब मारपीट की, लेकिन वह चुपचाप सहती रही, अकेली रहने से किसी को बता नहीं सकी। इस बीच 7 जून को पीड़िता की हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी थी, तब डॉक्टर मुरारी भी वहां मौजूद था। हॉस्पिटल में अकेला पाकर मुरारी की नीयत बिगड़ गई। रात करीब 12:15 बजे उसे जबरन एक कमरे में ले गया, फिर दुष्कर्म किया। सुबह करीब 4 बजे उसे धमकाया और फिर छोड़कर चला गया। घटना के बाद पीड़िता दोपहर को शास्त्री नगर थाने पहुंची, वहां आपबीती बताकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस टीम आरोपी डॉक्टर से पूछताछ के लिए हॉस्पिटल पहुंची, वह पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया है।